आवाकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बल विधानसभा क्षेत्र से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल किया। प्रकाश चौधरी ने डडोर स्थित अपने निवास स्थान से लेकर एसडीएम कार्यालय तक विशाल शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसडीएम बल के कार्यालय में प्रकाश चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी ने कहा कि बल विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने विकास के अथक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बल विधानसभा क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है और यहाँ पर उनकी रहनुमाई में दर्जनों नए कार्यालय खोले गए। उन्होंने कहा कि बल को तहसील और उसके बाद एसडीएम कार्यालय मिलना बहुत बड़ी बात है। चौधरी ने कहा कि जब प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बल में सब जज कोर्ट और कॉलेज सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय भी खोले जाएंगे। सड़कों के हमने जाल बिछा दिए, पानी की स्कीम में, बिजली के ट्रांसफार्मर ये हमने लाए, हमने कोई काम नहीं छोड़ा है। इन 4.5 वर्षों में 44 स्कूल जो प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक हमने बल घाटी में लाए। हमने इतना काम किया जो लोगों के सामने, लोग मानते आज हर के मुख से ये है कि नहीं वाक्य विकास हुआ बल घाटी में। जो काम हमने करके दिए हैं, जो काम हमें करने चाहिए थे वो हमने किए, परंतु हमने बल की जनता के आशीर्वाद से और माननीय मुखिया राजा वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से हमने ये काम किए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है उनका फिर आशीर्वाद रहेगा, बल की जनता का फिर आशीर्वाद रहेगा और हमारा नेक्स्ट जो मुद्दा होगा जिस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे बल में सब जो क्या बोलते हैं इसको सब जज का दफ्तर DSP यहाँ हम बिठाएंगे, यहाँ पर डिवीजन इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ लाएंगे और कॉलेज, चाहे वो गर्ल कॉलेज हो चाहे बॉयज कॉलेज हो, वो भी हम लाने का प्रयास करेंगे और जो कमियां बल घाटी में रही है थोड़ी बहुत उनको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे।